चरण टेक्निकल ब्लॉग में आपने वैकेंसी तो देख ली होगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,000 से ज़्यादा सीटें निकाली गई है। आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। एज की बात करें तो एज 18 से 22 साल है, कोई भी छूट नहीं दी गई है। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आपको यूआर कैटेगरी में रखा जाएगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, ओवरऑल इंडिया से, तो आप भर सकते हैं। मेरा मेन पर्पज़ क्या है कि आपको पेपर दिखाना कि कैसे प्रीवियस ईयर में पेपर आया था। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, बाकी सारे के सारे पेपर को आप बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। पहले आप देखिए कि पेपर कैसे आया था, मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ मोटा मोटा। ये जीके का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था तो किसने किया था। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हिस्ट्री से आया हुआ था, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया हुआ था, सॉरी। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ये संविधान से क्वेश्चन पूछा हुआ था, संविधान के कितने भाग हैं, तो यहाँ पर 25 भाग हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार का निर्माण कहाँ कराया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं जी का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देख सकें हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे गए थे। यहाँ आप देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक था, तो यहाँ पर आपका इलाहाबाद बैंक जो था वो सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक था। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे काफ़ी सारे, जो मतलब कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस तरीके के जीके आई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, मैं आपको दिखाता हूँ टोटल किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर चलिए आपको नीचे लेके चलता हूँ, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 38 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे गए थे। यहाँ से आपके डाउट ये क्लियर हो गया कि 38 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे गए थे, बाकी 37 क्वेश्चन आपके, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी अगले जो मतलब अगला जो टॉपिक होगा वहाँ से 37 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो अगला जो टॉपिक है वो आपका मैथ का है, मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैथ के क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे 52, 55, उसके बाद यहाँ देखेंगे 57 तक, यहाँ आप देखेंगे 57, यानी यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पूछे गए थे, 37 क्वेश्चन आपके जीके के आए थे। ये क्वेश्चन, ये पेपर जो है मैं आपको ओरिजिनल पेपर दिखा रहा हूँ जो 27 तारीख को हुआ था, 27 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था, ये यूपी कांस्टेबल जो अक्टूबर में आई थी भर्ती सेकेंड वाली, ये उसका पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं सारा का सारा सारा कुछ टेलीग्राम पर डाल दूँगा, आप कमेंट करेंगे तो। यहाँ पर आप देखेंगे 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आए थे और क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के, रीजनिंग मेंटल एलिबिलिटी और रीजनिंग दोनों अलग अलग ये पार्ट करके देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटल एलिबिलिटी के, तो यहाँ पर टोटल देखेंगे तो ये रीजनिंग में ही आता है लगभग टॉपिक आप देखेंगे तो टोटल। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर पूछे गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज जो है पूछे गए थे, बाकी सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो ठीक ठाक लेवल के पूछे गए थे। इस बार जो पेपर आने वाला है तो इससे लेवल अप ही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं नीचे नीचे आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। अब नीचे रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे एनालॉजी वगैरह के क्वेश्चन था। उसके बाद मिरर इमेज का भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ आप देख सकते हैं एम्बेडेड वाला पूछा गया था। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं फिगर काउंटिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए थे, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिए थे यहाँ पर पूरा का पूरा। उसके बाद इसमें एक एक करके तीन तीन चार क्वेश्चन इसी में कंक्लूजन पूछा गया था, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ पेपर आया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मतलब टोटल फिगर बन रहे हैं जो मैंने बताया, इस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। और नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं टोटल 113 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, यानी रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अगला देखेंगे तो आपका हिंदी का है सेक्शन, तो हिंदी के ठीक ठाक पेपर मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत हार्ड नहीं पूछे गए थे, थोड़ा मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया था तो उसे लोगों ने हार्ड मान लिया था, बट वो उतना हार्ड था भी नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो ये देख सकते हैं ये पर्यायवाची वगैरह उपकार को ना मानने वाला। उसके बाद यहाँ देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं स्त्रीलिंग पुलिंग में क्वेश्चन, यानी जो भी टॉपिक यूपी पुलिस ने दिया है आप उसी टॉपिक को मतलब लेकर सिलेबस वाइज उसी को पढ़ें, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पढ़ें, यूट्यूब के चक्कर में और उसके बाद कोर्स के चक्कर में। आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ आप देख सकेंगे पैसेज था, पैसेज में से आपको छाँट कर लिखना है, तो ईजी ईजी क्वेश्चन थे, रीजनिंग ऐसा नहीं था। तो इस बार भी अगर आप, मुझे लगता है 150 क्वेश्चन में से अगर आप 100 के आसपास सही करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा खासा आने वाला है। तो 200 नंबर आप लाते हैं तो श्योरली आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो 60% के आसपास
आप देखेंगे तो एक अच्छा स्कोर, मतलब 65% के आसपास लगभग अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। बाकी अगर आप बोलते हैं तो पेपर को मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल भी दूंगा। ओके, थैंक यू।